सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसके लिए आप मुझे लगातार कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे थे कि भैया मैं अपने ग्रेजुएशन के अभी पहले ईयर में हूं, मैं अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हूं, मैं निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, पर अपने कॉलेज के साथ इस प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करूं, कैसे मुझे क्या करना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए। तो ये वीडियो आज इसी पर होने वाली है कि आपको आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ, आपके कॉलेज के साथ साथ निमसेट एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। सारी बातें पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या रोड मैप फॉलो करना है, आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी। तो बिना देरी किए इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, अगर आपको आपके कॉलेज के साथ आपकी निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन को भी साथ साथ करना है, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगी, वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई हमारा कॉलेज होता है, कॉलेज के साथ हमें वक्त ही नहीं मिल पाता निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन का। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर में हूं पर अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं सेकंड ईयर में स्टार्ट करूं। तो चले आप अपने आप से क्वेश्चन करो, आप कितना सारा वक्त अपने मोबाइल में स्क्रॉल करते वक्त गुजार देते हो। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको जवाब मिलेंगे। और यार देखो ऐसा है, आपको वक्त खुद निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेज खुद करना पड़ेगा, कहां से आप टाइम निकाल सकते हैं, कहां पर आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अगर आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में और आपने कॉलेज के साथ निमसेट एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आपके लिए आगे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप अभी पढ़ लो या आप अपने थर्ड ईयर में रहकर पढ़ लो या फिर ड्रॉप लेकर पढ़ो, लेकिन जितने आप आगे निकल जाओगे फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे उतना स्ट्रेस चालू होगा। और देखो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन स्ट्रेस के साथ पढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपके पास समय कम बचा होता है, फिर आपके पास सेल्फ डाउट भी आते हैं कि मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये सारी चीजें आपके साथ होती है। इसलिए जितना जल्दी स्टार्ट कर दो उतना ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अब बात आती है कि हम टाइम कैसे मैनेज करें। अगर आप आपके कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में भी हो, तो आपको क्या करना है कि अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में तो आपको कॉलेज के लिए भी पढ़ना है। मतलब आपको ये नहीं करना, अगर आप थर्ड ईयर में तो आप तो सिंपल करो कि निमसेट के लिए पूरा डेडिकेशन अपना दिखाओ, हर तरीके से पूरे दिन निमसेट के लिए मेहनत करो, केवल इतना पढ़ लो कि आप कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में पास हो जाओ। अगर आप थर्ड ईयर में हो तब बात कर रहा हूं मैं ये, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो तो आपको निमसेट के साथ आपके कॉलेज का भी पढ़ना है। क्योंकि जब आप कॉलेज में आओगे निमसेट एग्जाम देने के बाद एनआईटीज के अंदर, तब आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी उन सबसे जो आप पढ़कर आए हो, चाहे वो आपका डीएसए हो, चाहे आपकी कोई लैंग्वेज हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है अपने कॉलेज के साथ। तो आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो, देखो अगर आपका कॉलेज है तो आपके मतलब दो दिन तो कॉलेज होगा नहीं, सैटरडे संडे है ना, आपके पांच दिन कॉलेज होने वाला है। तो उसमें अगर आप सुबह 9 या 8 बजे भी कॉलेज जाते हो और शाम को 3 से 4 बजे भी फ्री होते हो कॉलेज से, तो इस समय में अपना कॉलेज का जितना भी काम है कॉलेज में ही निपटा लो, क्योंकि ये टाइम कम नहीं होता, कम से कम 7 घंटे होते हैं। तो अगर आप अगर कॉलेज में ही अपने कॉलेज की सारी चीजें निपटाओगे, कॉलेज के लिए पढ़ लोगे, तो उतना बेहतर होगा। उसके बाद आपके पास समय बचता है काफी सारा, 4 बजे से लेकर आपके पास रात के 12 बजे तक का वक्त है। तो अगर आप 5 बजे से और रात के 11 बजे तक का जो टाइम है उसको भी यूटिलाइज करें, तो आपके पास कुछ काफी घंटे होते हैं, 7 घंटे कुछ होते हैं। अगर उसमें आप 2 से 2.5 घंटे की क्लास कर लेते हैं और 2 से 2.5 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, इतना इनफ है। अगर आप फर्स्ट ईयर में या आप सेकेंड ईयर में, तो आपको आपका जो वक्त है शाम का वो आपको यूटिलाइज करना है और वो आप कर सकते हैं। अगर आप मतलब अपने आप को 10-15 दिन पुश करेंगे उसके बाद ये चीजें होने लगेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलेज के लिए भी पढ़ना है और कॉलेज में मतलब ऐसा नहीं पढ़ना, देखो अगर आप निमसेट एग्जाम को देखें तो आपको 60 से 65% को चाहिए होता है, अगर आपके ग्रेजुएशन में इतना है तो आप एलिजिबल है। बट जो आप पढ़ रहे हो इस कॉलेज में उसको आपको ऐसे पढ़ना है जिसको आप आगे जाकर यूटिलाइज कर पाओ, आपके वो काम आए, यानी कि चाहे वो आपकी कोई लैंग्वेज हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे डीएसए हो, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये चीजें आगे काम आने वाली है। और अगर आप एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ के आते हैं तो ये आपको आगे काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। तो जो आपका पहला पॉइंट था टाइम मैनेजमेंट, वो आपको अच्छे से करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सुबह आप अपना कॉलेज का निपटा लो, 4-5 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक अपने निमसेट का देख लो, लेकिन उसके अलावा आप अपना टाइम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से कौन सा वक्त किस चीज को देना है। मतलब आपको कुछ प्रायोरिटीज बनानी पड़ेगी कि ये चीज है इसके लिए मुझे डेली बेसिस पर पढ़ना ही है। अगर मैं मिनिमम बात करूं तो आपको क्लास डेली करना है, क्लास स्किप नहीं करनी है आपकी निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन की, चाहे आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन, इसके लिए हम आगे बात करेंगे अभी।
तो आपको वो 2 घंटे की क्लास डेली करना है, उसके अलावा आपको बस मिनिमम 2 घंटे दे दो, है ना, सेल्फ स्टडी के लिए, और इतना काफी है एमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो तो आपको ये टाइम अपने मुताबिक आपको डिसाइड करना है कब मुझे एमसेट एग्जाम के लिए पढ़ना है और कब कॉलेज का देखना है। आप एक टू डू लिस्ट बनाओगे, अपनी प्रायोरिटी सेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी चीज करनी है, और चीजें और टाइम तो होती रहेंगी, तो आपको टाइम मैनेज का समझ में आ गया होगा कि अगर आपको दोनों चीजें एक साथ करना है तो टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, आप खुद से क्वेश्चन पूछो, आपको खुद जवाब मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं निमसेट की या अपने कॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट आपके आगे काम आने वाले हैं, चाहे वो ओएस हो, डीबीएमएस हो, कोई लैंग्वेज हो, डीएसए हो, डेवलपमेंट हो, तो ये दोनों ही चीजों के लिए निमसेट एग्जाम की जो मैथ है उसके लिए और जो ये सब्जेक्ट मैंने बोले इनके लिए आपको नोट्स बनाने हैं साथ के साथ। यानी कि जो आपकी मैथ है वो आपके अगर आप फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, तो आपके 2 साल या 3 साल आपकी यूज होने वाली है, आप एग्जाम आपके थर्ड ईयर के लास्ट में देने वाले हो, तो आपके पास ये लंबा पीरियड है। तो अगर आपने ये चीज अभी पढ़ी और नोट्स नहीं बनाए तो वो चीजें आप भूल सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारा माइंड है ना, वो पिक्चर्स में चीजों को ज्यादा याद रखता है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको फॉर्मूले याद आएंगे कि मैंने इस पेज पर यहाँ पर ये फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ था। तो ये चीजें काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगी जब आप आगे जाओगे ना एक बार। यानी कि एक तो मैथ में एक चीज ये भी होती है, आप मैथ को जितना लेयर्स में पढ़ोगे ना, यानी कि आपने एक बार मैथ पूरी कवर कर ली, यानी कि आपने फर्स्ट ईयर में मैथ पूरी कवर कर ली, तो जब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे और दोबारा से मैथ को पढ़ोगे तो वो आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आएगी, आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और मैथ पूरी कॉन्सेप्ट की है, अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है और आप क्वेश्चन सॉल्व करने गए आपको बेसिक्स नहीं बन रहे तो आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे, आप मतलब काफी ज्यादा डिमोटिवेट फील करोगे, आप फिर 1 घंटे नहीं पढ़ोगे, 2 घंटे नहीं पढ़ोगे, हो सकता है पूरा दिन बर्बाद कर दो फिर। तो इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, मतलब एक क्वेश्चन कई सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो इसलिए आपकी कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में तो नोट्स बनाओ साथ के साथ, जिससे आप चीजों को बहुत ही इजिली रिकॉल कर पाओ, कम समय में आप चीजों को रिवाइज कर पाओ, है ना। आपके पास एक नोट्स पढ़े हो जहां से अगर आप कोई चीज भूलते हो तो दोबारा से उसे पढ़ लेते हो, जब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तो आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा वो टॉपिक कवर करने में, आप इजिली कवर कर लोगे, इसलिए नोट्स जरूर बनाओ। और साथ में जो आप डीएसए पढ़ रहे हो, डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, उनके भी साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, आपको आगे जाकर बहुत हेल्प करेंगे। आपको इसलिए नहीं पढ़ना ये सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको आप एग्जाम पास करा रहे हैं। देखो पास तो आप हो ही जाओगे, क्वालिफाई फेल नहीं करते आपके समय में, तो आप पास हो जाओगे, 60-65% में आप पास हो जाते हो। तो लेकिन आपको ये जो सब्जेक्ट है ना, जो आपके आगे हेल्प करने वाले हैं आपको, उनको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, साथ में उनके नोट्स भी बनाना है और उनकी मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेते रहना है। अपने आपको उन सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हो तो आप इस तरीके से नहीं पढ़ोगे आपको एग्जाम पास करना है, इस तरीके से पढ़ो कि आपको ये आगे भी काम आने वाले हैं और आप वो डेप्थ में चीजें जान पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। केवल आपको किताबी उन चीजों को नहीं पढ़ना है, तो आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि अगर आपकी मैथ हो या ये सब्जेक्ट हो, ये आपके लंबे समय तक जाने वाले, ये सब्जेक्ट आपके एमसीए के 3 साल काम आएंगे, तो आपके 5 साल तक आपको ये चीजें यूज होने वाली है, तो इसलिए आपको नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा जो आपकी मैथ है उसके भी नोट्स बनाने, क्योंकि आपको 2-3 साल बाद एग्जाम देना है, तो ये चीजें आपको याद बनी रहेंगी, दोबारा से आपको स्क्रैच स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा जब आप पढ़ रहे हो। तो इसलिए आपको दूसरी चीज जो याद रखनी है, नोट्स जरूर बनानी है। मेरा एक दोस्त था, उसने नोट्स नहीं बनाए थे पूरे साल, वो पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन जब लास्ट के जब 1 महीना बचता है ना, उस मूवमेंट पर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है, काफी ज्यादा स्ट्रेस रहता है बच्चों के दिमाग में, क्योंकि पेपर आ गया होता है, और फिर जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ चीजें भूलते हैं, फिर बुक से पढ़ने जाते हैं, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन वहीं अगर उसने नोट्स बनाए होते हैं तो उस चीजों को वो बहुत ही आसानी से रिकॉल कर लेता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए आपको नोट्स जरूर बनाने, जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ, तो ये आप कहीं नोट कर लो या जो भी आपको करना है करो, लेकिन इन चीजों को फॉलो जरूर करना, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी। तो अब इन 2 पॉइंट्स के बाद तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इस एग्जाम की, निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, यानी कि हम कोई मतलब ऑनलाइन कोचिंग ले लें या यूट्यूब से पढ़ लें, कोई फ्री रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपके पास वक्त काफी कम होता है, तो अगर आप वहां पर ये मतलब जब आप कॉलेज से अपने आए फिर उसके बाद अगर आप ये रिसर्च करने बैठ गए कि मैं कहां से पढ़ूं, कहां है अवेलेबल, तो उसमें आपका काफी ज्यादा टाइम जाता है।
तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, आप एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें, है ना। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो आप डिमोटिवेट मत हो। अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप सेल्फ स्टडी करके भी फ्री में यूट्यूब से पढ़ के भी इस एग्जाम को निकाल सकते हैं ना। तो मैं बात कर रहा था कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको भटकना नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने ये देखा है, मतलब मैं पिछले एक साल से वीडियो बना रहा हूँ, जो लास्ट ईयर बच्चों ने एग्जाम दिया वो भी मेरी वीडियोस देख रहे थे और अभी भी देख रहे हैं। उसके अलावा जो मैंने ग्रुप्स बनाए थे तो वहां पर मुझे ये चीज देखने को मिली, जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करके रखे थे ना वो सीरियस केवल पढ़ते ही रहते हैं, वो कोई और बकवास बातें नहीं करते। और जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो उनमें काफी सारे बच्चों को जब दो तीन महीने भी बचे होते हैं ना तब भी वो ये पूछ रहे होते हैं हम ये चीज कहां से पढ़े, मैंने ये चीज अभी कवर नहीं की, ये कहां से पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक तो मुझे पता ही नहीं था होगा कि नहीं। तो ये सारे जो आपके डाउट होते हैं ना कोचिंग की वजह से सारे खत्म हो जाते हैं। वहां पर आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी क्लासेस चल रही होती है, आपको समय से टेस्ट मिल रहे होते हैं, आपको समय से प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा होता है, जिस वजह से आपको भटकना नहीं पड़ता। आपको थाली में सजी सजाई चीजें मिल जाती हैं, आपको बस कॉलेज से आना है और इन चीजों को ग्रहण करना है। तो इसलिए मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें और अपना कॉलेज मैनेज करें, उसके बाद आकर आप अपने इसमें कोर्स में 2 घंटे की जो क्लास होती है डेली बेसिस पर वो करें, उसके बाद 2 से 2.5 घंटे प्रैक्टिस कर ले। तो ऑनलाइन कोर्स मेरे हिसाब से मुझे लगता है सबसे बेहतर है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं और प्राइस भी काफी हाई है, क्योंकि कोचिंग कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो जिस वजह से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको डाउट होता है कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है, पैसा काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना है, तो कोई गलत कोचिंग नहीं ले ले। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट आता है कि हम कौन सी कोचिंग लें जो हमें सही प्राइस में भी मिल जाए और जहां पर रहकर हमें बाद में रिग्रेट ना हो, आसानी से इस एग्जाम को निकाल सके, तो अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा ऐसी कौन सी कोचिंग है जो कम प्राइस में भी मिल जाएगी और अच्छी कोचिंग भी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए यूट्यूब पर पूरा कॉन्टेंट फ्री पड़ा हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जहां पर मैंने आपको 5 से 6 चैनल बताए जहां से आप अपनी मेहनत कवर कर सकते हैं या रीजनिंग कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो मेरे पर्सनल फेवरेट टीचर हैं यूट्यूब पर मौजूद हैं वो है मोहित त्यागी सर। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके लिए इनकी वीडियोस काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इनसे पढ़ लिया मैथ, मुझे नहीं लगता इनसे ज्यादा डिटेल में किसी भी ने भी यूट्यूब पर पढ़ाई है या कोचिंग वाले भी इतनी डिटेल में मैथ पढ़ाते हैं। तो इन्होंने IIT की मैथ पढ़ाई हुई है, लेकिन मैथ एक ही होती है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस फर्क कहां पर आता है वो है समय में। यहां पर आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं आपके NIMCET एग्जाम में, तो आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आनी चाहिए, आपको क्वेश्चन जल्दी करना आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं कि आप कोचिंग मत लो, आप पूरा सेल्फ स्टडी करो, मोहित त्यागी सर से पढ़ो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में, उनकी वीडियोस कुछ पुरानी है यानी कि बहुत समय पहले की, तो आपको थोड़ा बोर कर सकती है, लेकिन जब आप एक टॉपिक उनसे पढ़ लोगे ना तो आपको एक मतलब मजा आने लगेगा, आदत हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आप उनसे एक टॉपिक पूरा पढ़ लेते हो, उसके बाद आप टेस्ट देते हो, आपके नंबर अच्छे आते हैं, आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, उसके बाद आपको उनसे पढ़कर अच्छा लगेगा और पूरा सिलेबस कर लोगे, क्योंकि मैंने भी पर्सनल किया हुआ है। तो वो पढ़ाते बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत मजा आएगा उनसे पढ़कर। यहां पर उनके चैनल का लोगो वगैरह कुछ नजर आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस वीडियो में, जिस वीडियो की जिक्र कर रहा हूं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप इनसे पढ़कर अपनी मैथ पूरी कवर कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें कि आपको रीजनिंग कहां से करनी है, कंप्यूटर कैसे करना है, उनकी भी मैंने इस वीडियो में डिटेल में बात करी थी, आप देख लेना जहां पर फ्री रिसोर्सेज मैंने बताए थे, तो आप ये कर लेना। अब उसके बाद बात आती है क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे, क्योंकि समय तो कम मिलने वाला है, ये तो IIT की मैथ पढ़ाने वाले हैं, वहां पर जो आपका JEE मेंस या एडवांस का पेपर होता है वहां पर आपको काफी वक्त मिल जाता है, क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जल्दी करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज ले लेनी है। इसके बाकी फायदे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज ले लेनी है जिससे वहां पर वीकली टेस्ट का एनालिसिस होगा, तो वहां पर आपको जो शॉर्ट तरीके होते हैं वो बताए जाएंगे जिससे आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट सारे यहां से सीख लिए, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यहां से सीख ली, एंड यू आर रेडी फॉर NIMCET एग्जाम। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ले लेना है। इसके जो बाकी के फायदे हैं मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज में भी डाउट है कहां से लें, तो अगेन
व्हाट्सएप नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाओ वहां पर मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा। तो इसके बाद आपको जो चौथा पॉइंट याद रखना है वो है यूटिलाइज योर रिसोर्सेस। आपके पास इस वक्त बहुत सारे रिसोर्सेस फ्री में अवेलेबल है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेकर पढ़ रहे हो या किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो उस टीचर से समझ में नहीं आते, है ना, क्योंकि हर टीचर के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, कुछ वो इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाता, तो कई बार ऐसा होता है वो हमें समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले तो आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को आप दो बार देखो, तीन बार देखो, और अब भी समझ में नहीं आ रहा तो अपने ऊपर डाउट मत करो, यूट्यूब पर सिंपली जाओ, उस टॉपिक को सर्च करो और वहां से उसको पढ़कर आओ और दोबारा से इस टीचर से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उनको यूज करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, उसके बाद आप सोचते हो कि यार मेरे से ये क्वेश्चन बन नहीं रहा, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद आप टाइम वेस्ट करते हो बहुत ज्यादा। तो टाइम वेस्ट करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो टॉपिक एट दी एंड आपको पढ़ना ही है, समझना ही है, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो तुरंत आप YouTube पर जाओ, वहां पर सर्च करो और बहुत सारे वीडियोस आएंगे, किसी एक को उठाओ, जो समझ में आ रहा है उसे समझो और वापस आ जाओ अपने मेन सोर्स पर, जहां पर आप पढ़ रहे हो, जो मैंने मोहित अली सर बताया था, या आपको जो कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है उन वाले टीचर पर वापस आओ और वहां से दोबारा से कंटिन्यू करो अपनी स्टडी को। तो आपको डिमोटिवेट होकर बैठ नहीं जाना अगर आपसे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आपको सिंपली जाना है दूसरे टीचर से वो चीज पढ़ लेनी, क्योंकि मैंने ये चीज अपने साथ कहीं ज्यादा देखी है। जब मैं कोई वीडियोस यहाँ से देख रहा होता हूँ, यहाँ मुझे समझ में नहीं आया, और मैं अगर दूसरे टीचर पर जाता हूँ, वहां से समझता हूँ, समझ में आ जाता है, फ्रेश टीचर पर लौट कर आता हूँ, ये अच्छे से समझ में आ रहा होता है। तो इसलिए आपको डिमोटिवेट होकर बैठना नहीं है, एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा है, स्विच करो, दूसरे टीचर पर जाओ, समझ कराओ वापस अपने मेन रिसोर्स पर और वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। तो आपको जो रिसोर्स अवेलेबल है उनको अच्छे से यूटिलाइज करो। इसके बाद अब मेरा पांचवा पॉइंट है कि आपको टेस्टिंग अप की करते रहना है रेगुलर बेसिस पर। कैसे? आप निम्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने एक टॉपिक कहीं से पढ़ा, अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी तो आपके टेस्ट वगैरह होते रहेंगे, है ना। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक चीज आपको करनी है, वो है टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि आपने एक वीक में एक टॉपिक पढ़ा, अब आपको नहीं पता आपको टॉपिक कितने बेहतर तरीके से आ गया इस एग्जाम के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस लेवल पर एग्जाम में पूछा जाता है उस लेवल पे आपको चीजें आ गई या नहीं आई, वो पैटर्न आपने अच्छे से कवर किए या नहीं किए उस टॉपिक के जो इस एग्जाम में आते हैं, वो आपको टेस्टिंग में समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपके हर वीक टेस्ट होते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, मैंने आपसे जैसा कि पहले बोला, तो आपने जो टेस्ट सीरीज ले ली तो वहां पर वीकली टेस्ट होंगे, तो वहां से आपने उस टॉपिक का टेस्ट दिया तो आपको समझ में आ गया कि इस टॉपिक को मैंने किस लेवल तक कवर कर रखा है, मुझसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, अगर आप 40 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 35 से 40 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है। तो आपको टेस्टिंग करनी है, और टेस्टिंग के जो दो फायदे हो रहे हैं वो है स्पीड और एक्यूरेसी। ये दो चीजें ऐसी हैं जो इस एग्जाम के लिए आपको चाहिए ही चाहिए है, पढ़ बहुत सारे बच्चे लेते हैं लेकिन ये जो दो चीजें हैं वो बच्चों का रिजल्ट डिसाइड करती है कि आपको एनआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा एग्जाम है, वक्त कम है, स्पीड चाहिए, और ऐसा एग्जाम है दो क्वेश्चन गलत किए, दो एनआईटी नीचे आ गए, एक्यूरेसी चाहिए। तो ये दो चीजें आपको टेस्ट देकर समझ में आएंगी, तो आप उसके लिए टेस्ट सीरीज ले लेना, उतनी महंगी नहीं होती, मतलब आपको 5000 तक में मिल जाएंगी, उससे भी कम में मिल जाएंगी, तो आपको टेस्ट सीरीज ले लेनी है ना, और अच्छी कोचिंग की लेना है, ऐसी कोचिंग की लेना है जहां पर बच्चे ज्यादा हो, आपको एक कॉम्पिटिशन फील होगी, क्योंकि जब आपका टेस्ट होता है वहां पर रैंक दिखाई देती है, तो अगर वहां पर 400-500 बच्चे अगर उस टेस्ट को दे रहे हैं तो वहां पर आपको रियल कॉम्पिटिशन टाइप का फील होगा। तो अगेन आपको अगर डाउट है, कंफ्यूजन है कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले, मैसेज कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेस्टिंग रेगुलर बेसिस पर करना है। आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप छोड़ सकते हो, फर्स्ट ईयर में आप केवल सिलेबस कवर कर लो, लेकिन सेकेंड ईयर में अगर आपको या फाइनल ईयर में हो तो टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको टेस्टिंग करनी है, क्योंकि ये जो आपकी मैथ होती है ना वो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि अगर वहां पर नए क्वेश्चन आए तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तभी कर सकते हो, लेकिन अगर पुराने क्वेश्चन आए और ऐसे क्वेश्चन आए जो सारे बच्चे कर रहे हैं, तो ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो वो सारी चीजें आपकी टेस्टिंग से ही आएंगी, तो आपको स्टार्टिंग से ही टेस्टिंग टेस्ट सीरीज ले लेनी है, क्योंकि वो आपको वीकली एनालिसिस करवाएंगे जब, तो वहां से आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी समझ में आएंगी, उसके अलावा उसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, एक रेगुलर बेसिस पर आपको वो गाइड भी करेंगे, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और ये इतनी महंगी भी टेस्ट सीरीज नहीं आती। तो आपने यहां से सेल्फ स्टडी कर ली और साथ में अपनी टेस्टिंग कर ली, तो आप निमसेट एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। उसके बाद जो सातवीं चीज आपको याद रखनी है, वो आपको क्या करना है कि जो पास्ट पेपर है वो सॉल्व करने। कैसे?
आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, जब आपको वो टॉपिक कंप्लीट हो गया तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनसे वो टॉपिक उठाना है और उनको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। कुछ आपको मतलब हर टॉपिक के 15-20-25 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, है ना, तो वो आपको सॉल्व करने, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि एक्चुअल पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप कर पा रहे हो, तो आपको इससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चंस नहीं है तो आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाएंगे, और अगर आप चाहते हो कि मैं ही आपको दे दूं तो जो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया था वहां पर मैं पोस्ट कर दूंगा तो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वो नोट्स चाहिए, नोट्स तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए टॉपिक वाइज तो आप कमेंट में लिखो, मैं जल्दी से ट्राई करूंगा उस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाओ और जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पर मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ निमसैट के रिगार्डिंग, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। जैसे ही आपने वो टॉपिक खत्म किया उसके आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, वो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। उसके बाद आठवीं चीज जो आपको याद रखनी है, और ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ये आपकी एक रेस है, ये आपका गोल है, NIMSAT आपको क्रैक करना है, NIT में जाना है, ये गोल है और ये पूरी आपकी जर्नी है, ये एक रेस है। लेकिन इस रेस में सभी बराबर पर खड़े नहीं होते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहां पर खड़े हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि और जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, कुछ बच्चे पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, तो अगर उस वक्त टेस्ट हो रहे हैं तो उनके नंबर अच्छे आ रहे होंगे, आपके नहीं आ रहे, तो उस वक्त आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि रेस लंबी है, अभी हो सकता है वो आगे हैं, लेकिन एक वक्त के बाद देखो टॉपिक वो कवर कर लिया उसने पहले से, उसके नंबर अभी आ रहे हैं, लेकिन आपके पास बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबा समय है, आप वो टॉपिक कवर कर लोगे तो एक वक्त के बाद आप भी उसके लेवल पर खड़े होगे, तो उस दिन अपने आप को उससे कंपैरिजन करना अभी मत करो, क्योंकि ये रेस है, काफी सारे लोग अलग अलग पोजिशन पकड़े हैं, सभी एक लाइन पर नहीं खड़े हुए हैं, तो आपको याद रखना है कंपैरिजन दूसरे से नहीं करना, खुद से करना है। और एक चीज इस एग्जाम को लेकर कहूं या पूरी आपको लाइफ में याद रखनी है, कि आपको हर दिन अपनी स्किल्स पर काम करना है और दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है। अगर डेली बेसिस पर आप सीख रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे, इसलिए आपको सीखना बंद नहीं करना और कंपैरिजन खुद से खुद का करना है, किसी और से नहीं, क्योंकि इस रेस में आपको नहीं पता कौन कितने आगे खड़ा हुआ है, कौन आपके बगल में खड़ा हुआ है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। नंबर नहीं आ रहे, खुद से क्वेश्चन करो नंबर क्यों नहीं आ रहे, आपको जवाब मिलेंगे। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, खुद से क्वेश्चन करो क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, आपको जवाब मिलेंगे। आप मुझसे पूछोगे मुझे नहीं पता आपके क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्वेश्चन क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आप खुद से सवाल करोगे सारे जवाब आपको खुद ब खुद मिलेंगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है और दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, ये जर्नी आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी, है ना। और अगर जर्नी में उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है तो वो जर्नी ही नहीं है ना, हर चीज स्मूथ नहीं चलती, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आएंगे, आपकी जर्नी में आएंगे, बस आपको क्या करना है उस जर्नी में डटे रहना है। 10 बार गिरो 11वीं बार खड़े हो जाओ, है ना, यही जर्नी आपको आगे आपके NIT तक लेकर जाएगी। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, कभी कंपेयर नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता दूसरे बंदे का बैकग्राउंड क्या है, वो किस लेवल पर 12th में 11th में 10th में उसने मैथ पढ़ी है, आपने पढ़ी है नहीं आपको मालूम है ना, तो इसलिए आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना और पूरी जर्नी में पॉजिटिव रहना। यार यही वो पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाह रहा था। उसके अलावा एक बात आपसे और कहूंगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो तो आपकी NIMSAT प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, साथ में कोडिंग पर भी ध्यान देना, आप दिन में 1-2 घंटे दे दो, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया जो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके आगे काम आने वाले हैं उनको आपको अभी से अच्छे से पढ़ना है आपके पास, क्योंकि वक्त है। आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हो तो कोडिंग पर भी अच्छे से ध्यान दो, अभी से आप डेवलपमेंट पर काम करो, अभी से छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो, आपको आगे जाकर काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ आकर भी अगर आपको नहीं आता आप कर लोगे, लेकिन तब आपके दिमाग में काफी ज्यादा स्ट्रेस होगा, है ना। तो अगर आपको बिना स्ट्रेस के पढ़ना है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में तो कोडिंग पर भी ध्यान दो, साथ में NIMSAT एग्जाम के लिए तो मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं ये आप याद रखना, है ना। और उसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप पूरी तरीके से NIMSAT एग्जाम की प्रिपरेशन पर ध्यान दो, क्योंकि एक बार NIT मिल गया तो वहां पर आपको काफी वक्त मिलेगा इन सारी चीजों को सीखने के लिए। तो यार यही सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता था आपको जरूरी है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड कर रही है, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके की कंटेंट आप इस चैनल पर देखोगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहां मैसेज करते हैं, तो वो कुछ ऐसे मैसेज करते हैं
जैसे कि इस क्वेश्चन का मुझे फोन नंबर दे दो, इसकी फीस कितनी है, इस बुक का लिंक सेंड कर दो, तो यार जो ऐसी चीजें हैं जो आपको इजीली मिल सकती है वो आप खुद ही एक्सेस कर लो, है ना। वो मतलब आप डायरेक्ट मेरे से मत पूछा करो, जो आपको सारी चीजें मिल सकती है ना। जो चीजों के आपको आंसर नहीं मिल रहे आप लोग कोशिश कर ली, उसके लिए आप मुझे मैसेज करो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे मैसेज करते हैं फिर मैं रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि ये चीजें आपको इजिली मिल सकती है ना। तो जो चीजें इजी मिल सकती है वो खुद ही ढूंढ लो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को चाहिए कमेंट में लिखो, और मुझे फीडबैक जरूर दो कैसे मैं वीडियोस को और इंप्रूव कर सकता हूँ, किस टॉपिक पर वीडियोस मुझे बनानी चाहिए, क्या ऐसी चीजें जो मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए चैनल मतलब ऐसे भी एक साल पुराना हो गया, लेकिन मैंने कंसिस्टेंटली इतनी वीडियोस नहीं बनाई, तो बहुत सारी गलतियां मैं कर रहा हूँ उनका, तो वो मुझे आप जरूर कमेंट बताओ। मैं आपके फीडबैक को एकदम सीरियसली लूंगा, और आगे अपन इस जर्नी में बहुत आगे जाएंगे साथ में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखना, बाय। Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again.